Second application of electrostatic is, number two application is electrostatic powder painting. Electrostatic powder painting. सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हम कार्स वगैरह को या ऑटोमोबाइल्स जितने भी हैं हमारी, हम उनको पेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द टेक्निक इलेक्ट्रोस्टैटिक. जिस तरह हमने देखा कि फोटोकॉपी मशीन को हम जो यूज़ करते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं कि हम चार्जेस को डिवेलप करवाते हैं इंक के ऊपर भी एंड हमारे पेज के ऊपर भी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके फॉर द लॉन्ग टाइम एक दूसरे को जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक रहने देते हैं उसी पेज के ऊपर, ठीक है. तो इसी तरह से हमारी फर्दर जो है हमने पढ़ा कि हम जो एयर है पोल्यूटेंट एयर उसको भी बहुत इजीली जो है क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक इलेक्ट्रोस्टैटिक. अगेन अब हम अदर यूजेज देखें, इसका अदर एप्लीकेशन देखें हमारी एवरीडे लाइफ में, तो हम जितने भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं उनको बहुत ईजिली पेंट कर सकते हैं बाय द टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो इसमें जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलता आ रहा है कि एक के ऊपर हम चार्ज प्रोड्यूस करवाते हैं, जो उसके ऑपोजिट साइड पे चीज़ होती है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू उसके ऊपर खुद ही से चार्ज डिवेलप हो जाता है, ठीक है. सो जब एक चार्ज हमने खुद प्रोड्यूस करवाया एंड इसका ऑपोजिट यानी अनलाइक चार्ज जो है प्रोड्यूस हो गया बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेंगे और एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है. तो यही हमारा काम हो रहा है कि कार के अंदर जो पेंट वगैरह, कार को पेंट करने के लिए हम यही टेक्निक यूज़ करें. अब बेसिकली आप देखें कि कार के ऊपर जो पेंटिंग हुई होती है, यानी कार को या किसी भी ऑटोमोबाइल को हम पेंट जब करते हैं, तो वो अगर आप जस्ट नेल से उसको रब करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हुए होते हैं, ठीक है, उस मेटल सरफेस के साथ. तो वो बेसिकली होते क्यों हैं कि हम देखें, यहाँ पर अगर हम नोज़ल यूज़ कर रहे हैं पेंट को, कोई भी स्प्रे पेंट यूज़ कर रहे हैं लाइक इस तरह से, इसके अंदर पेंट हमने फिल किया हुआ है, ठीक है. अब पेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, हम लोगों ने जब इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, ठीक है, पेंट पार्टिकल्स को हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या हुआ, इनके ऊपर हाईली चार्ज पार्टिकल्स बन गए, ठीक है. अब इतने हाईली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड किए, लेट सपोज जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस नोजल के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड वगैरह कर देते हैं या अपना सर्किट कंप्लीट करने के लिए दूसरी जो ग्राउंडेड वायर है उसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है. अब बेसिकली होगा क्या, पॉजिटिव जब फ्लो करके इसके पास आएगा, पॉजिटिव चार्ज इन तमाम पार्टिकल्स के अंदर आ चुके हैं, ठीक है. अब हमने क्या किया, जब वोल्टेज प्रोवाइड किए इस पूरे पेंट पार्टिकल्स के अंदर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा एरिया है और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है. अब जब ये मूव करेंगे और यहाँ पे एरिया थोड़ा ज़्यादा था इसलिए थोड़ा डिस्टेंस पे चल रहे थे, ठीक है, और स्पीड थोड़ी कम थी एज़ कम्पेयर टू दैट पॉइंट, ठीक है. अब जैसे जैसे ये एरिया कम होता गया तो इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती गई, और जब ये यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, जब ये बाहर निकलेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है. वो रगड़ खाते हुए जब बाहर निकलेंगे तो इस पूरी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड तमाम पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर भी क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब ये क्या करेंगे, इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं और जब ये बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस तरह रिपेल करेंगे कि ये और दूर दूर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है. लेट सपोज इस तरह से ये एक दूसरे से दूर दूर मूव करेंगे, ठीक है. तो अब ये क्या कर सकते हैं, ये लार्ज एरिया पे स्प्रेड आउट कर सकते हैं. अब जैसे ही हमारे पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ आए, यहाँ पे जो हमारा कार का कोई भी पोर्शन था, ठीक है, जिसको हम पेंट करना चाह रहे थे, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होगा, पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर फौरन से नेगेटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा, ठीक है. अब जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिवेलप होगा तो ये क्या करेंगे, ये बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे एंड अट्रैक्ट करने के बेस पे क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है. अब एयर पार्टिकल क्या हो चुके हैं, इस
पेंट जो हमारे सॉरी पेंट पार्टिकल्स थे वो इसके ऊपर स्प्रेड भी हो गए और इतनी स्ट्रांगली चिपक चुके हैं कि अब उनको सेपरेट आउट करना मुश्किल है. ठीक है, तो यह इसकी वजह से क्या होगा, हमारे कार के ऊपर पूरा पेंट हो जाएगा. और ये पेंट इतना स्मूथ होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम सिंपल पेंट की बात करें और हम उसको ब्रश से अप्लाई करें, ठीक है, तो उसकी थिक लेयर सी इसके ऊपर यहाँ पे डिवेलप हो जाएंगे. ठीक है, थिक लेयर डिवेलप हो गई तो उसको सूखने में भी टाइम लगेगा. और अगर हम उसको जस्ट लाइक अ नेल पेंट उतारना चाहें, अगर हम उसकी नेल पेंट की थिक लेयर लगा दें और उसको उतारना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी उतर जाएगी. ठीक है, एज कम्पेयर टू तो अगर हम उसकी बहुत थिन लेयर यूज़ करें, ठीक है, और एक वो आपको बहुत अच्छी जो है हमारी क्या हो गई, हमारी जो पेंटिंग है उसकी बहुत ज़्यादा स्मूथनेस शो होगी. ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमें एक बहुत ही थिन लेयर चाहिए. तो क्या वो होगा कि हमारा जो वोल्टेज है, जब जैसे ही हमने वोल्टेज प्रोवाइड किए तो इन चार्जेस ने आगे की तरफ फ्लो किया और इन चार्जेस की वजह से कार के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू अनलाइक चार्जेस आ गए. ठीक है, और अब हमारे क्या होगा, पेंट के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा एडहेसिव हो चुके हैं, इतने ज़्यादा चिपक चुके हैं कि अब उनको सेपरेट आउट करना भी मुश्किल है. और इसकी जो एंड यानी फिनिशिंग होगी वो बहुत स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करेगी. और जैसे ही ये ड्राई होंगे तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्निंग कर लेंगे जिसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा. सो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा कि हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा प्रोसेस है उसके थ्रू कौन कौन से काम कर सकते हैं. सो ये थी हमारी सेकेंड एप्लीकेशन.